उत्तर प्रदेश से एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बहुत से लोगों ने एक लड़की को निवस्त्र कर पार्क में उसकी बुरी तरह पिटाई की और उसके बाद उसका वीडियो भी वायरल किया। अब इस हैवानियत के बाद इस सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन 7 के घरों पर बुलडोजर भी चलवा दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज पुलिस और प्रशासन ने सिटी फॉरेस्ट पार्क में लड़की के साथ हैवानियत कर उसका वीडियो वायरल करने वाले 7 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया है। इन 7 आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को दहाया जा रहा है। बता दें कि 7 आरोपी फिलहाल जेल में है और उनके घरों के बाहर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि सूत्रों के मुताबिक हमीरपुर में 16 अगस्त को हैवानियत की वारदात हुई। एक युवती के साथ सिटी फॉरेस्ट इलाके में आधा दर्जन युवकों ने हैवानियत करके उसका वीडियो बनाया था, उसे अब फिर वायरल किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 8 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि 7 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है और कुछ फरार बताए जा रहे हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।